मुझे लगता है कि इस गंदगी को आप इस कॉलेज कैंपस में ना लाए तो बेहतर है। वरलारू मुख्यम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखी इसी फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात विश्व से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वो पूरे दिन क्या करता है। कार्तिक अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वो स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्तिक की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता वेलुथन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। वेलुथन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया। वेलुथन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि
कई तमिल पुरुषों को मलयालम महिलाओं से नफरत है। जब कार्तिक अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है, लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्तिक तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वो जमुना से कुछ दूरी रखते हुए जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्तिक ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्तिक को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो जमुना को ध्यान में रखे। कार्तिक ने यमुना को जमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्तिक उससे बात करने की कोशिश करती है तो जमुना को एहसास होता है कि कार्तिक इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्तिक से प्यार होने लगा है, लेकिन वह यह दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब वेलुथन कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए तो यमुना ने कार्तिक को घर आमंत्रित किया। कार्तिक उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है, लेकिन अध्याय कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है जिसे कार्तिक अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्याय कालम को लगता है कि रात सफल रही, लेकिन कार्तिक बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्तिक को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्तिक से बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है अधिक कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्तिक को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्तिक ने शादी कर ली। वेलुथन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्तिक को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। वेलुथन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्तिक वेलुथन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्तिक और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्तिक के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते हैं। उसके कार्तिक वेलुथन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्तिक से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्तिक को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्तिक और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्तिक दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्तिक नहीं जाती है, लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्तिक अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और वेलुथन बच्चे को दिखावा करता है कि वो यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्याय कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्तिक भाग जाता है। कार्तिक ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम वियाग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्तिक से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्तिक यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और वेलुथन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्तिक शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्तिक ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्तिक के बारे में झूठ बोला और उसकी माँ ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और माँ को पता चलता है कि यह कार्तिक है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल असेलन से पूछते हैं कि कैसे कार्तिक ने उनका करियर बर्बाद कर दिया।
जिसमें कार्तिक ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आधी कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्तिक को देखता है। कार्तिक ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। बस बस यहाँ पे लोकेशन पर वही मैंने या अभी यहाँ पे मैम दिस साइड मैम वानी मैम वानी मैम यहाँ देखिए सामने धूप ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, आगे आइए थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पीछे पीछे वानी जी वानी मैम मैम यहाँ पे देखिए सेंटर में वानी जी यहाँ पे वानी मैम यहाँ पे लेफ्ट में वानी मैम यहाँ पे देखिए मैम लेफ्ट में मैम मैम दिस साइड वानी जी यहाँ पर वानी जी सामने आपके आपके लेफ्ट में एकदम सामने आपके इधर मैम लेफ्ट में लेफ्ट में मैम वेट 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 मैम 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 एंटर में देखिए मैम लेफ्ट में लेफ्ट में मैम थैंक यू मैम वानी जी वानी मैम एक जन को फोटो दे जाओ मचाओ फैन अरे पिता है ये भाई भाई मुझे क्या करना है थैंक यू मैम आगे मत जा अरे इनको भी चाहिए एक मिनट रुक एक मिनट मत बना भाई कोई वीडियो नहीं बनाएगा कोई नहीं बना थैंक यू मैम तीसरे सीधा के पास ये बंद करना तुम लोग वानी जी मेरा बंद करना वानी जी हाँ साइड हो जाइए ये बंद करना है फोटो को वीडियो मत बनाओ अरे सबका एक साथ ओके थैंक यू मैम राजेश सर थैंक यू थैंक यू जल्दी जल्दी चलो थैंक यू भाई वेट वेट मेरे भाई इसको भी चाहिए आ जाए आ जाए अदनान आ जाए राजन आपको अदनान 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 क्या कर रहे हो यार अदनान बोल रहा है राजन अदनान चाहिए जा अदनान को आज नहीं चाहिए थैंक यू थैंक यू फोटो चाहिए तो अभी तो बुलाया तब से क्या बोल रहा हूं यार होता ही नहीं है ये ब्रदर एक बार फोटो ले मैं एक लाख पांडे रह गया है पांडे अच्छा रहा है वहाँ पर थोड़े सड़े पिछले मोबाइल अच्छे सर
अभी सर यहाँ पे अभी सर सामने सामने अभी सर यहाँ पे अभी सर यहाँ पे अभी सर सामने आपके इधर अक्षय सर पुढे अक्षय इकडे बघा इकडे ये पांडे सर यहाँ पे परदीन सर सोलो एक मिनट पीछे जाओ बढ़िया पे यहाँ पे पाजी थे दो स्टेप पीछे जी ना वाणी जी नहीं यहाँ पे वाणी जी यहाँ पे देखिए सामने वाणी जी यहाँ पे वेट 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 सीरियस चलो हो गया सीरियस चलो चलो बंद 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 करो बंद करो भाई बंद करो आदित्य आदित्य भाई यहाँ पे सर यहाँ पे आदित्य सर सेंटर में सर यहाँ पे नहीं देख रहे सर सर सेंटर में सर यहाँ पे नहीं देख रहे यहाँ पे लास्ट कॉर्नर में भी आदित्य भाई यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे थैंक यू भाई थैंक यू पीछे गाड़ी है जान दो गाड़ी पीछे गाड़ी है चलो 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 फोटो अरे एक मिनट बंद करो अले जी यहाँ पे अले जी अली भाई अली भाई यहाँ पे अली भाई अली भाई सामने आप लोगों ने Nice अली भाई सुशील भाई बोल रहे नाइस शर्ट भाई कृष्णा में क्या कर रहे हो यार थैंक यू रेडी होके आते हैं मिलते हैं खेल खेल में चलो
ये भाई 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 मैम लुक हियर दस्तूर हमारे जी इधर आइए मैम सेकंड कैसे हो मैम अरे माँ मैं कैमरा इधर मैम यस सेंटर मैम सामने वेट सेंटर हमारा हमारा ये लोग मैम लुक यस सेंटर मैम सामने इधर मैम इधर हो गया अभी सामने अभी देखिए एकदम सामने देखिए आप थोड़ा 10 सेकंड हाँ 1 2 3 भाई थोड़ा कैमरा आप पीछे अपने जन्मदिन मुबारक हो सर सब हम यहाँ देखिए ना सर किस कैमरे में अरे थोड़ा साइड एक्सक्यूज मी साइड थोड़ा साइड साइड ओ साइड ओ साइड में बात देखिए कि फोटो सर 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 इधर इधर बोतल भी लुक गया सर यहां पे यस बोतल भी लुक गया सर 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 अंकिता जी यहां पर आ रहे अंकिता जी विक्की भाई यहां पर लास्ट कॉर्नर थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू सो मच मैम सुनो सुनो मैम चलो लेना चलो ना भाई मैडम इकड़े मराठी माणसा पशी मैडम मैडम समोर हो गए हम लोग को भी मारने को अच्छे से मैडम कैमरा वगैरह हां मस्त है मैडम इकड़े मराठी मुलगा मैडम मराठी मुलगा इकड़े समोर ओ मैडम तुमचा लक्ष्य कुठे आहे मैडम सरला पाठवा ना तोलो फोटो काढ चारू गपरे अपर्णा जी आइए हेलो अपर्णा जी आ गया पीछे पीछे अपर्णा जी आ गए बस अपना जी एकदम सामने हाँ अपना एकदम सामने देखिए अपना जी यहाँ पर यहाँ पे अमन के पास देखो हम यहाँ पे ये है वो थैंक यू सर क्या थैंक यू सर फोटो ऑफ द डे कब रे वेट 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 अरे बस यहाँ पे बस यहाँ पे
थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। चलो बेचा बंद कर दो। खुशाली मैडम आ गई, चल घुमाओ उधर। अर्जुन भाई रुकिए, ये पीछे अभी तो पीछे भाई आपके राइट में देखो, राइट यहाँ पर अर्जुन भाई अर्जुन भाई यहाँ पर देखिए अर्जुन भाई भाई आपके राइट में माया मत अर्जुन भाई यहाँ पर पीछे अर्जुन भाई यहाँ पे अर्जुन भाई यहाँ पे थैंक यू भाई सर यहाँ पे सामने थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, यहाँ पे रुकना पड़ेगा सर। यहाँ पे सर सामने सामने सर यहाँ पर देखिए सर, मैम यहाँ पर लास्ट कॉर्नर सर यहाँ पे कुंडी भाई एक मिनट यहाँ देखे ना मैडम जी जी सर थैंक यू जी भाई थैंक यू जी भाई यहाँ पे थैंक यू थैंक यू भाई आ जाओ आ जाओ। हेलो मैम कैसे हो दिव्या जी, यहाँ पे देखिए दिव्या जी रुके ना, रुके ना एक मिनट यहाँ पे देखे ना, आइए मैम हमने देखा सभी क्या एक्टिंग था का सब आपकी जैसी वाइफ मतलब मूवी में सबको मिलना चाहिए। सॉरी फॉर दिस बट मैम यहाँ से आइए ना, यहाँ से सेंटर में से यहाँ से आइए ना थोड़ा। हाँ यस मैम, यू लुकिंग सो फैब मैम, प्रीटी प्रीटी, बहुत बधाई हो मैम आपको मूवी के लिए। यस मैम, लेकिन बात मैम आपका बहुत अच्छा एक्ट था, बहुत अच्छा मतलब वन टू वन समझ सकते, आप जैसा कोई एक्टिंग ही नहीं कर सकता ऐसा कर ऐसा नहीं कि सब कर सकते, बट आपने बहुत अलग किया मैम। वन एंड ओनली दिव्या जी, वन एंड ओनली दिव्या जी, यस मैम पक्का, थैंक यू थैंक यू मैम। दिव्या जी यहाँ पे भी देखिए, वीडियो पे रखना है। हाँ 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 वीडियो पे फोटो आ जाए सब आ जाए। गिर गया मैम, गिर गया बाइक से, पूल में खेल रहा था मैडम, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल नहीं नहीं मैम, क्या एक्ट है मैम, लव इट, मैं तो फैन हो गया मैम आपका सच्ची मैम, मजाक वाला नहीं मतलब हम सबको ऐसा बोलते बट रियल वाला ये दिल से मैम। Final.
भाई रुकिए भाई सर फोटो करते सर रुको ना सर एक साथ में करते रुके ना सर अरे रुक जा दादी को लेके जा इधर एक करते ना सर दादी का दादी भाई सर दादी भी जाए ना ओके आराम से अरे वो एंगल से एक सेकंड बाबा पीछे आ रहे सर हम गैंग गोइन जावेद सर एक साथ में अरे वो राजन जावेद सर जावेद सर आइए ना आइए 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 भी पहुंच जाते सर रुके ना सर रुके ना विजन सर आइए ना अभी एक फोटो करते ना सर आइए आइए ना अरे राजू नो इज नॉट कॉल्ड राजू हाथ क्या अरे वो राजन भाई हाथों हटाओ अरे मेरा हाथ नहीं है रे जनरल जी इनको एक कुड़ी है हाँ हो गया थैंक यू अच्छा अच्छा आपको सुनो चाहिए मैम आपका चाहिए ना आपको दोनों मैम कब से आपका वेट कर रहे रुक जाओ मैम नहीं होगा आप टेंशन मत लो मैम यहाँ पर रुकिए अभी रुकिए आप यहाँ पर ट्रेन यहाँ पर मैम इधर बीच में रुकिए ना जी रुकिए दो तीन दिन नहीं मिलेंगे बस अभी दो तीन दिन अच्छा परसों मतलब भाई अपने भी आए थे वीडियो में बाय मैम हाँ भाई हो गया होगा थैंक यू करण भाई करण भाई करण भाई यहाँ पे सर पेश कर आपके करण भाई पीछे देख लो करीना मैम करीना जी थोड़ा आगे ना मैम यहाँ देखिए मेरे पास देखिए रुकिए रुकिए अरे बाहर आइए अरे राइट रुको रुको अरे नहीं मिला बराबर अच्छा हाय कैसे हो आप या 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 लुक मैम लुक क्या लुक यहां देखिए लाइट नहीं अरे इतना अच्छा लाइट मिल रहा है क्या कर रहे हो यार बहुत भाई है स्लो चलिए ना खोखा और मेरा फोकस पॉइंट कहाँ है क्या बोला मैं आप भागते रहती है ये वाला इधर मैं सोना तो होगा किसी डर का किसी डर का है सोलह सौ ये सिद्धार्थ का मैम पीछे देखिए नहीं कुछ नहीं तो हमको मत होगा भाई हाँ
गुप्ता भाई नाइस शॉट थैंक यू इधर 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 सामने सामने इधर इधर सामने तक भाई भी नाइस है ना भाई सामने आप तो मतलब लास्ट के बीच में आप कुछ मार सर सर यस सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू अरे इधर आएगी भाई मिठाई नहीं थी वीडियो बना दी आसिम चेहरा इधर घुमाओ दोनों छपेंगे भाई आसिम भाई तो भी चलो अरे तुमको छापना आसिम इधर चेहरा देखो हाँ वाह ऐसा चलेगा मैम ले लो अरे नहीं इधर जा रहे ब्रदर मैं यहाँ बचा मैम यहाँ बचा ब्रदर इधर अरे दोनों साथ में मैम ये भाई दोनों साथ में है मैम इधर अरे रुकियो मैम इधर बचा क्या हुआ सोहेल एक मिनट को मैम हाँ चले चले ब्रदर छोटू पांडे चलो बाकी जो बच्चा है उसको दे दो दोस्त धर धर अरे कौन है यार शी ऑल द ब्लेसिंग हां ओके इसका दो है तेरा किधर है मेरा है ना दीदी मैम साथ में मदद मैम आ जा ले आई जा ले उतर ले कौन किसका है यार ये हीरो आ गया बैठना है ना बैठ जा रुक 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 जहां उठने का नहीं अरे अरे पार्थ है यार पार्थ भाई पार्थ सेंटर सेंटर विनय सर विनय सर पार्थ भाई इधर पार्थ भाई सोलो सोलो पार्थ भाई आपका सोलो पार्थ भाई सॉरी सेंटर में थोड़ा फोन फोन है फोन है कौन है ठाकुर ठाकुर पार्थ भाई सेंटर में आइए ना थोड़ा अच्छा समझ गया अब मारूंगा खाने जाने वापस में या नाउ सोलो इधर आने दे पार्ट भाई सोलो हाँ भाई सुनिए अरे सुनिए अरे करे कर रहा है वो माँ को भगा दे मेरे से बात कर रहा है वो उधर खड़े हो मैं अरे मोबाइल इधर भी है ये मार के ओके हाँ हो गए तो चमक रहा है वो भाई डाउन नहीं हो रहा है ना भाई सारा आ रहा है उसका अभी इधर पर इधर कर ले रहे हैं जरा ये इधर करेंगे ना इधर करेंगे ये भाई ये भी पटाना पड़ेगा पार्थ भाई पार्थ भाई मार्क भाई पार्थ भाई पार्थ ये मार्क पे आई ना ब्रदर पार्थ भाई पार्थ पार्थ मार्क पे आई ना ये मार्क ये मार्क ये मार्क हाँ चलेगा हाँ ये मार्क चलेगा ये सब सही है हाँ चलेगा
भाई साइड भाई आपका सोलो सेंटर सेंटर पे मार्क पे। अरे सर आपका सोलो बात आपको सोलो ही चाहिए भाई किंग इधर गुड रेडी भाई पसीना हो गया एकदम। हाँ चलो पार्थ भाई पार्थ भाई हाँ जी सो प्लीज प्लीज गिव ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट। बहुत मेहनत करी है थोड़ा यार मतलब अभी टीवी छोड़ कर अभी फाइनली मैं एक फिल्म में शुरुआत करूँ अपनी नई जर्नी शुरुआत करूँ तो प्लीज नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स थैंक यू सो मच। चलो बस बस इधर ही बस भाई 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 थोड़ा सेंटर में आओ ना कितना क्लोज हाँ भाई हाँ आइए थोड़ा सेंटर में आ जाइए सेंटर बस भाई बस इधर ही भाई पांच भाई सामने अभी हाँ थैंक यू भाई थैंक यू भाई डन डन भाई नंबर कौन कोई आई जाए उधर जाएगा थोड़ा ही छड़ा ना भाई इस साइड बस भाई थैंक यू भाई सामने मोबाइल ला प्रज्ञा यहाँ पर देखिए प्रज्ञा जी यहाँ पर प्रज्ञा मैम यहाँ पे देखिए प्रज्ञा जी राइट 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 मैम यहाँ पे देखिए प्रज्ञा मैम प्रज्ञा जी राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट प्रज्ञा जी कुछ सामने इधर एकदम पूरा लेफ्ट पूरा सामने देखिए प्रॉपर सेम मैं लेफ्ट या राइट सामने लास्ट कॉर्नर नाउ स्ट्रेट ओके जाओ नहीं नहीं प्रज्ञा मैम वेट वेट मैम अभी वीडियो नहीं हुआ है अभी क्या कर रहे हैं मैम आ जाओ आ जाओ मैम आ जाओ आराम से आराम से गिरेगा गिरेगा
जाने 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 दो भाई प्रज्ञा जी ए रुक जा रोहित अभी पास ए विधान दी तेरा रुक जा ए मैं कर पीछे लग गए एक बार बस इधर इधर वक्त मिल जाएगा हां मैम रुको ना करी मैम मैम हां ये अच्छा रहा फोटो ये सही है ये आप पे बहुत अच्छा है रुक गया अजी जी सामने यहां पर देखिए यहां पर प्रज्ञा जी यहां पर थैंक यू मैम कोई आगे नहीं जाएगा कोई आगे मत जाओ यहीं से जूम करो सर आइए क्या बात है सर नाइस ब्रो राव सर राज सर यहां पे सर सेंटर 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 तो दो दो इधर आ सर चाचा को हटा यार पीछे से सर सेंटर सर राज सर यहां पे सेंटर यहां पे राज सर इधर सर सेंटर राज साहब समोर समोर राज सर आपके लेफ्ट में राज सर यहां पे समोर समोर थैंक यू एक श्रद्धा साहब श्रद्धा मैडम थैंक यू मैम अभी सोच रहा हूँ आ जाओ राज सर हाँ छाता पकड़ के आ जाओ दीपक पटी राज सर सेंटर राज वेट 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 बस 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 राज थोड़ा ये चाय ये थोड़ा पीछे ये थोड़ा पीछे राज सर पीछे राज सर लुक जाओ राज सर डिसाइड सर राज सर भाई मैं आपके राज सर लुक गया लुकिंग एंड यहां पे इकडे करो आगे राज सर यहां पे देखिए ना अरे हाथ मत निकालो फैन 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 को जाने दो नेक्स्ट हां एक कड़क 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 एक नंबर कड़क अरे थैंक यू नेक्स्ट छोटी फैन थैंक यू और कौन है लेफ्ट थैंक यू ठीक है सर कैसा एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया सर सोलो सर थैंक यू सोलो सोलो हो गया नींद में हो गया सर सोलो लास्ट बार सर एक मिनट सोलो अभी नहीं नहीं सर आ रहे मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे देखिए मैम यहाँ पे मैम बाय इधर सर गवर्नमेंट अरे हम अभी आए हम लोग मैडम गवर्नमेंट आपके लिए आए
साफ साफ झूठ है ये। मैम इधर मैम मैम बस बस ओके मैम मैम थैंक यू मैम। फोन पीछे करे फोन बहुत आगे भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे नाइस नाइस भाई चलो थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू भाई थैंक यू भाई थैंक यू भाई सर यहाँ पे थैंक यू सर थैंक यू आफ्टर लॉन्ग टाइम मैम रुकिए ना यहाँ पे सेफली जी सामने गर्मी आया गर्मी आए मैम यहाँ पे आइए 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 विशाल आगे नहीं जाना पीछे रहो कोई नहीं जाएगा टेंशन कोई नहीं खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब अरे ऊपर मारेंगे चलना ऊपर मारेंगे चलना लादन थैंक यू भाई थैंक यू यार थैंक यू
शर्वरी जी यहाँ से शर्वरी जी अच्छा ये ऐसे यहाँ पे शर्वरी जी यहाँ पे शर्वरी जी यहाँ पे शर्वरी 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 यहाँ पे आप माने नहीं ना हमारे इकडे समोर पण थँक्यू चला बाय भेटू परत श्रद्धा मॅडम पार्टी पार्टी तू पार्टी नाही अरे राजा नाही हिला मत नाही पुढे पुढे मॅडम पुढे पुढे स्त्री मध्ये राजन स्त्री आपण समोर स्त्री समोर मॅडम समोर बघा एकदम समोर थोडा समोर बघा बस राव साहेब या समोर सेंटर सेंटर स्त्री पुरुष इकडे आवाज नाही आला सोलो थांबा सदा मॅम सोलो थांबा
मैम को बहुत आगे आगे मैम अपन पार्टी अपन पीछे अपन पीछे मैम 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 तुम्ही भिजत नाही आहे ना तुम्ही भिजत जा थोडं पुढे या क्रिक इकडे बघा ना बस थोडं बस बस क्रिक इकडे बघा आपण मोबाईल कोण लगाय मैम इकडे बघा समोर क्रिक इकडे बघा ऊपर से दादा ऊपर मैम मैम सेंटर में मैम दादा ऊपर लेफ्ट में दादा जी बैक दादा जी सेंटर यहाँ पर दादा जी सामने सामने यहाँ पर दादा मैम दादा जी लुकिया सामने यहाँ पर दादा मैम पार्टी 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 दादा मैम पार्टी पार्टी बघा पार्टी बघा पार्टी बघा दादा मैम पार्टी बघा उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस मैम आगे नहीं जाने का बारिश हो रही है आगे नहीं जाने का बारिश है बारिश है बारिश है कैमरा मेरा कैमरा वही तो बारिश हो रही है इतना काफी है भाई मोबाइल वाली कैसा ही मार देता कोई तो गिरो ऊपर देखो मरीना नहीं भाई वो टकला याद है क्या कौन सा अंकित इसको किस किए हाँ किधर है अंकित नहीं आ रहे इसलिए आ रहे नहीं हो अच्छा क्या आ गए ना उसके बाल आ गए नकली बाल आ गए तो सारे टकलों को भेजो मेरे को इसको भी भाई आप हैं इधर एक भाई राजन को क्या हाल चाल है बस बढ़िया बढ़िया थैंक यू ऋतिक भाई ऋतिक भाई पाजी को फोटो चाहिए था आपके अरे नहीं नहीं पाजी जाओ यार पाजी जाओ अरे जाओ यार जाओ इसको चाहिए इसको चाहिए मेरे को चाहिए जाओ जाओ अब इसको चाहिए जाओ 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 मैं लेता हूं पाजी यार क्या बात है अपने शर्मिला यार पाजी बाय अब पाजी इधर 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 पाजी इधर 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 पाजी इधर यार पाजी यार पाजी हमारे सीनियर है ऋतिक भाई बेटा जी बस 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 जी जी बेटा जी पे सामने हम सामने सेंटर में श्वेता जी इधर मैम इधर देखा ही नहीं अरे 10 सेकंड भी नहीं होते थैंक यू थैंक यू मैं सेंटर नहीं मिले तो ऐसा करेगा यार वो सेंटर से मिल रहा है नीला थोड़ा सेंटर से ना थोड़ा साइड 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 नहीं सेंटर लेगा मैं आराम से सेंटर दे दे मैं पीछे 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 यहाँ पे भाई रेडी इधर सामने 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 भाई यहाँ पे भाई थोड़ा राइट में दो भाई थोड़ा इधर था सामने थैंक यू थैंक यू थैंक यू फिर से पीछे साइड साइड से ऊपर विवास विवास तेरा हाथ आ रहा है हां विवास हाथ आ रहा है अरे विनोद थोड़ा पीछे ना हाथ आ रहा है असली अरे विनोद थोड़ा पीछे ना तुम आए रुकिए रुकिए मैं रुकिए 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 असली सोना असली सोना इधर देखिए वेट 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 इधर यहां पे ऊपर 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 इधर नहीं देखे इधर नहीं सोना असली कह रहे हैं कि इधर नहीं देखे भैया मैम
पीछे आ जा रहे, पीछे आ जा रहे, सामने आपके सोनाक्षी जी इधर से चल भी जाना मैम जय रखे सर भैया और भाभी रुकिए यहाँ यहाँ देखिए ना यहाँ यहाँ सोनाक्षी जी हाँ किधर है भाई इधर जाने दो अरे भाई अरे यार सोनाक्षी जी गए उधर से भाई बड़े बड़े का बारिश आ गई नहीं रुकिए रुकिए अरे मैम रुकिए हम भी जिंदे हो रहे मैम हमें देखो मैम वो ज्यादा कुछ भी नहीं रिपोर्ट दिया हमारे हम लोग के पास तो कैमरा है ऑन है मैम कैसे मैम हमारे सामने मैम मैम ये आज का कोई थीम है तो इसका लाइक थोड़ा सा नहीं मतलब ये पहली बार कर रही हूं बारिश में भीगते भीगते हम लोग भी भीग रहे हैं पड़ी एक म्यूजिक हम लोग भी भीग रहे हैं अब जाना पड़ेगा मैम भाई एक स्टेप पीछे हो जाओ ना एक स्टेप पीछे भाई थोड़ा पीछे एक स्टेप पीछे हो जाओ आ जाओ थैंक यू भाई थैंक यू सुहाना 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 जी सुहाना 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 जी सुहाना अरे गट पे मत चाह एक नंबर डाल मिस रखा है कोई भी आउट हो अपने में मतलब है तापसी जी तापसी जी सेकंड बार इवेंट खत्म क्या हाँ ये मालूम है बस मैं सेंटर आप मैम तो क्या सेंटर भाई सेंटर आप तापसी का भी आओ आप सेंटर मैं भी सामने वेट वेट तापसी लास्ट वेट मैम इसका सारा सुना मैम ये सामने
फिर सबका ग्रुप फोटो कर दे ग्रुप फोटो कर दे ग्रुप फोटो ग्रुप फोटो वरुण भाई साथ में अर्जुन जी आप भी रुके रहे साथ में गिरेंगे हम लोग आपकी बॉलिंग पहले अर्जुन श्रीलंका अर्जुन बेस्ट चलो पीछे आओ ना पीछे आप गांधी अस्थि पहले अरे यार जगह दे दो वरुण भाई नाइस नाइस बैटिंग चार कंटिन्यू थैंक यू वरुण सर की लो फोटो भाई आज तो कुछ तो आज हो जान दो कुछ भी भाई आप लोग सुंदर लग रहे हैं ना क्या बताऊं कुछ भी नहीं कर रहा है शादी करने का इसके ऊपर इसके ऊपर राजन का चेहरा देख के मेरा शादी करने कह रहा आपके लिए रुके क्या बोल आपके लिए रुके थैंक यू सर यहाँ पे आ जाए सर यहाँ पे थोड़ा आगे स्लाइड मारते हैं Then come closer, man. काफी छोटी थी सर जब स्पॉट की थे बहुत काफी छोटी थी बड़ी बड़ी थैंक यू सर थैंक यू बाय मैम बाय काफी छोटी थी वरलारू मुखियम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखी इसी फ्री में फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात विश्व से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है कार्तिक जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वो पूरे दिन क्या करता है कार्तिक अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वह स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है इस बीच कार्तिक की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है जिसका परिवार पलायन कर गया है वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता वेलुथन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे वेलुथन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया वेलुथन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है जब कार्तिक अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है कार्तिक तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए इसलिए वो जमुना से कुछ दूरी रखते हुए जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है यमुना को लुभाने की कोशिश करता है कार्तिक ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा अधिक कालम ने कार्तिक को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो जमुना को ध्यान में रखे कार्तिक ने यमुना को जमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है
जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्ति उससे बात करने की कोशिश करती है तो यमुना को एहसास होता है कि कार्ति इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्ति से प्यार होने लगा है, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब वेलुथन कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए तो यमुना ने कार्ति को घर आमंत्रित किया। कार्ति उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है, लेकिन अध्याय कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है जिसे कार्ति अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्याय कालम को लगता है कि रात सफल रही, लेकिन कार्ति बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्तिक को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्तिक इसे बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है अथे कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्तिक को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्तिक ने शादी कर ली। वेलुथन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्तिक को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। वेलुथन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्ती वेलुथन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्ती और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्ती के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते है। उसके कार्ति वेलुथन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्ति से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्ति को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्ति और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्ति दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्ति नहीं जाती है, लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्ति अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और वेलुथन बच्चे को दिखावा करता है कि वो यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्याय कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्ती भाग जाता है। कार्ती ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्ती से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्ती यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और वेलुथन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्ती शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्ती ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्ती के बारे में झूठ बोला और उसकी माँ ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और माँ को पता चलता है कि यह कार्ती है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल असाइलम से पूछते हैं कि कैसे कार्ती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया जिसमें कार्ती ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आधी कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्ती को देखता है। कार्ती ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म के ओटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। वरलारू मुख्यम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात
विषयों से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वह पूरे दिन क्या करता है। कार्तिक अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वह स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्तिक की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता वेलुथन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। वेलुथन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया। वेलुथन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है। जब कार्तिक अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्तिक तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वो जमुना से कुछ दूरी रखते हुए जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्तिक ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्तिक को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो जमुना को ध्यान में रखे। कार्तिक ने यमुना को जमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्तिक उससे बात करने की कोशिश करती है तो जमुना को एहसास होता है कि कार्तिक इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्तिक से प्यार होने लगा है लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब वेलुथन कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए तो यमुना ने कार्तिक को घर आमंत्रित किया। कार्तिक उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है लेकिन अध्याय कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है जिसे कार्तिक अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्याय कालम को लगता है कि रात सफल रही लेकिन कार्तिक बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्तिक को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्तिक से बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है अथी कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्तिक को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्तिक ने शादी कर ली। वेलुथन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्तिक को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। वेलुथन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्तिक वेलुथन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्तिक और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्तिक के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते हैं। उसके कार्तिक वेलुथन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्तिक से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्तिक को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्तिक और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्तिक दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्तिक नहीं जाती है लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्तिक अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और
वेले उस दिन बच्चे को दिखावा करता है कि वो यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्यक्ष कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्ती भाग जाता है। कार्ती ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रह मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्ती से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्ती यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और वेलायुथुन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्ती शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्ती ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्तिक के बारे में झूठ बोला और उसकी मां ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और मां को पता चलता है कि यह कार्तिक है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल असैलन से पूछते हैं कि कैसे कार्तिक ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसमें कार्तिक ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आधी कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्ती को देखता है। कार्ती ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म की ओटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। वरलारू मुखियम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है, जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात वेश्यों से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक, जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है, का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है, जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वह पूरे दिन क्या करता है। कार्तिक अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वह स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्ती की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है, जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता वेलायुथन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। वेलायुथन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया। वेलायुथन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है। जब कार्ती अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है, लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्ती तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वह जमुना से कुछ दूरी रखते हुए, जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है, यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्ती ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन कहा कि वह अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्ती को सलाह दी कि यदि वह यमुना को अस्वीकार करता है तो वह यमुना को ध्यान में रखे। कार्ती ने यमुना को यमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्ती उससे बात करने की कोशिश करती है, तो यमुना को एहसास होता है कि कार्ती इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्ती से प्यार होने लगा है, लेकिन वह यह दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए, जब वेलायुथुन कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए, तो यमुना ने कार्ती को घर आमंत्रित किया। कार्ती उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है, लेकिन अध्यक्ष कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है, जिसे कार्ती अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्यक्ष कालम को लगता है कि रात सफल रही, लेकिन कार्ती बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्ती को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्ती इसे बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे
पैटी का अपहरण कर ले ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है अथी कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्तिक को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्तिक ने शादी कर ली। विलायुतम कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्तिक को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। विलायुतम ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्तिक विलायुतम कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्तिक और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्तिक के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते है। उसके कार्तिक विलायुतम कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्तिक से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्तिक को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्तिक और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्तिक दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्तिक नहीं जाती है, लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्तिक अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और विलायुतम बच्चे को दिखावा करता है कि वो यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्यक्ष कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्तिक भाग जाता है। कार्तिक ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्तिक से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्तिक यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और विलायुतम कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्तिक शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्तिक ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्तिक के बारे में झूठ बोला और उसकी माँ ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और माँ को पता चलता है कि यह कार्तिक है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल असेलन से पूछते हैं कि कैसे कार्तिक ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसमें कार्तिक ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आधी कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्तिक को देखता है। कार्तिक ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। वरलारूम मुखियम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है, जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात वेश्यों से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है, जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वो पूरे दिन क्या करता है। कार्तिक अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वह स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्तिक की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है, जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता विलायुतम कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। विलायुतम कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया।
विलोधन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है। जब कार्ती अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है, लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्ती तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वह जमुना से कुछ दूरी रखते हुए जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्ती ने यमुना से अपने प्यार का इंतजार किया लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्ती को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो जमुना को ध्यान में रखे। कार्ती ने यमुना को जमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्ती उससे बात करने की कोशिश करती है तो जमुना को एहसास होता है कि कार्ती इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्ती से प्यार होने लगा है, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब विलोधन कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए तो यमुना ने कार्ती को घर आमंत्रित किया। कार्ती उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है, लेकिन अध्याय कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है जिसे कार्ती अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्याय कालम को लगता है कि रात सफल रही, लेकिन कार्ती बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्ती को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्ती इसे बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है अथे कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्ती को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्ती ने शादी कर ली। विलायुतुन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्ती को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। विलायुतुन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्ती विलायुतुन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्ती और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्ती के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते हैं। उसके कार्ती विलायुतुन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्ती से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्ती को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्ती और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्ती दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्ती नहीं जाती है, लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्ती अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और विलोधन बच्चे को दिखावा करता है कि वो यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्याय कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्ती भाग जाता है। कार्ती ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्ती से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्ती यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और विलायुतुन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्ती शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्ती ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्ती के बारे में झूठ बोला और उसकी माँ ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और माँ को पता चलता है कि यह कार्ती है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल
असैलन से पूछते हैं कि कैसे कार्ती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसमें कार्ती ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आदि कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्ती को देखता है। कार्ती ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म की ओटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। वर्लारू मुख्यम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहा देखी इसे फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है, जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात वैश्यों से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक, जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है, का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है, जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वो पूरे दिन क्या करता है। कार्ती अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वह स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्ती की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है, जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता वेलुथन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। वेलुथन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया। वेलुथन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है। जब कार्ती अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है, लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्ती तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वो जमुना से कुछ दूरी रखते हुए, जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है, यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्ती ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्ती को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो जमुना को ध्यान में रखे। कार्ती ने यमुना को जमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्ती उससे बात करने की कोशिश करती है, तो जमुना को एहसास होता है कि कार्ती इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्ती से प्यार होने लगा है, लेकिन वह यह दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब वेलुथन कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए, तो यमुना ने कार्ती को घर आमंत्रित किया। कार्ती उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है, लेकिन अध्याय कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है, जिसे कार्ती अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्याय कालम को लगता है कि रात सफल रही, लेकिन कार्ती बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्ती को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्ती इसे बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले, ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है, अथी कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्ती को दोष न दे, क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्ती ने शादी कर ली। वेलुथन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्ती को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। वेलुथन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्ती वेलुथन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्ती और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्ती के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते हैं। उसके
पार्थिव वेलुथन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्तिक से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्तिक को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्तिक और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्तिक दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्तिक नहीं जाती है, लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्तिक अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और वेलुथन बच्चे को दिखावा करता है कि वह यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्यक्ष कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्तिक भाग जाता है। कार्तिक ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्तिक से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्तिक यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और वेलुथन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्तिक शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्तिक ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्तिक के बारे में झूठ बोला और उसकी माँ ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और माँ को पता चलता है कि यह कार्तिक है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल असैलन से पूछते हैं कि कैसे कार्तिक ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसमें कार्तिक ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आधी कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्तिक को देखता है। कार्तिक ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म के ओटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। वरलारू मुख्यम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है, जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात विश्व से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक, जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है, का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है, जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वो पूरे दिन क्या करता है। कार्तिक अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वह स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्तिक की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है, जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता वेलुथन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। वेलुथन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया। वेलुथन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है। जब कार्तिक अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है, लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्तिक तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वह यमुना से कुछ दूरी रखते हुए जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्तिक ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्तिक को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो यमुना को ध्यान में रखे। कार्तिक ने यमुना को यमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्तिक उससे बात करने की कोशिश करती है तो यमुना को एहसास होता है कि कार्तिक इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है।
यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्तिक से प्यार होने लगा है, लेकिन वह ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब विलयुथन, कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए तो यमुना ने कार्तिक को घर आमंत्रित किया। कार्तिक उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है, लेकिन अध्याय कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है जिसे कार्तिक अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्याय कालम को लगता है कि रात सफल रही, लेकिन कार्तिक बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्तिक को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्तिक से बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है अथे कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्तिक को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्तिक ने शादी कर ली। विलयुथन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्तिक को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। विलयुथन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्तिक विलयुथन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्तिक और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्तिक के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते हैं। उसके कार्तिक विलयुथन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्तिक से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्तिक को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्तिक और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्तिक दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्तिक नहीं जाती है, लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्तिक अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और विलयुथन बच्चे को दिखावा करता है कि वह यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्याय कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्तिक भाग जाता है। कार्तिक ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्तिक से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्तिक यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और विलयुथन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्तिक शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्तिक ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्तिक के बारे में झूठ बोला और उसकी माँ ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और माँ को पता चलता है कि यह कार्तिक है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल असैलन से पूछते हैं कि कैसे कार्तिक ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसमें कार्तिक ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आधी कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्तिक को देखता है। कार्तिक ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। वरलारू मुखियम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है, जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात विश्व से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है,
का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वह पूरे दिन क्या करता है। कार्तिक अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वह स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्तिक की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता वेलुथन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। वेलुथन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया। वेलुथन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है। जब कार्तिक अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्तिक तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वो जमुना से कुछ दूरी रखते हुए जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्तिक ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्तिक को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो जमुना को ध्यान में रखे। कार्तिक ने यमुना को जमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्तिक उससे बात करने की कोशिश करती है तो जमुना को एहसास होता है कि कार्तिक इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्तिक से प्यार होने लगा है लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब वेलुथन कुट्टी उनकी पत्नी और जमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए तो यमुना ने कार्तिक को घर आमंत्रित किया। कार्तिक उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है लेकिन अध्यक्ष कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है जिसे कार्तिक अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्यक्ष कालम को लगता है कि रात सफल रही लेकिन कार्तिक बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्तिक को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्तिक से बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है अथी कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्तिक को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्तिक ने शादी कर ली। वेलुथन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्तिक को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। वेलुथन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्तिक वेलुथन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्तिक और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्तिक के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते हैं। उसके कार्तिक वेलुथन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्तिक से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्तिक को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्तिक और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्तिक दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्तिक नहीं जाती है लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्तिक अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और वेलुथन बच्चे को दिखावा करता है कि वो यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्यक्ष कालम हैरान रह जाता है लेकिन कार्तिक भाग जाता है।
कार्ती ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्ती से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्ती यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और वेलायुथन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्ती शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्ती ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्ती के बारे में झूठ बोला और उसकी मां ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और मां को पता चलता है कि यह कार्ती है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल असैलन से पूछते हैं कि कैसे कार्ती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसमें कार्ती ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आधी कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्ती को देखता है। कार्ती ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म की ओटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। वरलारू मुखियम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है, जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात वेश्यों से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक, जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है, का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है, जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वो पूरे दिन क्या करता है। कार्ती अपनी आगामी राजनीति में एसलाइम की मदद कर रही है और एसलाइम का कहना है कि वो स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्ती की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है, जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता वेलायुथन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। वेलायुथन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया। वेलायुथन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है। जब कार्ती अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है, लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्ती तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वो जमुना से कुछ दूरी रखते हुए, जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है, यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्ती ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्ती को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो यमुना को ध्यान में रखे। कार्ती ने यमुना को यमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्ती उससे बात करने की कोशिश करती है, तो यमुना को एहसास होता है कि कार्ती इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्ती से प्यार होने लगा है, लेकिन वह यह दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब वेलायुथन कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए, तो यमुना ने कार्ती को घर आमंत्रित किया। कार्ती उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है, लेकिन अध्याय कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है, जिसे कार्ती अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्याय कालम को लगता है कि रात सफल रही, लेकिन कार्ती बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्ती को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्ती इसे बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले, ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। ज
जैसे ही ऐसा होता है अथिक आलम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्तिक को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्तिक ने शादी कर ली। विलायुतिन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्तिक को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। विलायुतिन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्तिक विलायुतिन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्तिक और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्तिक के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते हैं। उसके कार्तिक विलायुतिन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्तिक से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्तिक को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्तिक और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्तिक दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्तिक नहीं जाती है, लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्तिक अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और विलायुतिन बच्चे को दिखावा करता है कि वो यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्यक्ष कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्तिक भाग जाता है। कार्तिक ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्तिक से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्तिक यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और विलायुतिन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्तिक शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्तिक ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्तिक के बारे में झूठ बोला और उसकी माँ ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और माँ को पता चलता है कि यह कार्तिक है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल असेलन से पूछते हैं कि कैसे कार्तिक ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसमें कार्तिक ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आधी कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्तिक को देखता है। कार्तिक ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। वरलारूम मुखियम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। फिल्म की शुरुआत 2050 से होती है, जहाँ एक पूर्व राजनेता की मुलाकात विश्व से भरे एक आश्रय स्थल और क्रिस गेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। कार्तिक जिसका दोस्त वो छोटा भाई मानता है का कहना है कि जब तक उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाता वह भविष्य का विधायक बनेगा। कोयम्बटूर 2022 में कार्तिक उर्फ कार्तिक एक बेरोजगार लापरवाह आदमी है, जिसके पड़ोस में कोई नहीं जानता कि वो पूरे दिन क्या करता है। कार्तिक अपनी आगामी राजनीति में एस्लाइम की मदद कर रही है और एस्लाइम का कहना है कि वह स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने जा रही है क्योंकि उन्होंने देखा कि युवा लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बीच कार्तिक की मुलाकात एक मलयाली लड़की जमुना से होती है, जिसका परिवार पलायन कर गया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जमुना के पिता विलायुतिन कुट्टी चाहते हैं कि उनकी बेटी दुबई में काम करने वाले एक व्यक्ति से शादी करे। विलायुतिन कुट्टी ने जमुना को बताया कि पड़ोस में कुछ लोग 20 साल से अधिक उम्र के कुंवारे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमुना के दरवाजा नंबर 58 पर जोर दिया।
विलोधन कुट्टी की पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष जमा है। उन्होंने बताया कि कई तमिल पुरुषों को मलयाली महिलाओं से नफरत है। जब कार्ती अन्य सभी लोगों को जाने के लिए कहता है तो वो जमुना को अपनी बालकनी से देखता है, लेकिन उसे उसकी बड़ी बहन यमुना से प्यार हो जाता है और इस तरह जमुना में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। कार्ती तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सी बहन चाहिए, इसलिए वह जमुना से कुछ दूरी रखते हुए जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही है यमुना को लुभाने की कोशिश करता है। कार्ती ने यमुना से अपने प्यार का इजहार किया लेकिन कहा कि वो अपने पिता को बताएगा। अधिक कालम ने कार्ती को सलाह दी कि यदि वो यमुना को अस्वीकार करता है तो वो जमुना को ध्यान में रखे। कार्ती ने यमुना को जमुना से झूठ बोलने के लिए 2 दिन का समय दिया कि वो उससे प्यार करता है। जब यमुना उसे नजरअंदाज करती है और कार्ती उससे बात करने की कोशिश करती है तो जमुना को एहसास होता है कि कार्ती इस समय अपनी छोटी बहन से प्यार करती रही है। यमुना को एहसास होता है कि उसे कार्ती से प्यार होने लगा है, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बीच यमुना और पट्टी दोनों को पीछे छोड़ते हुए जब विलोधन कुट्टी उनकी पत्नी और यमुना सप्ताह के लिए पलक्कड़ गए तो यमुना ने कार्ती को घर आमंत्रित किया। कार्ती उसके साथ संबंध बनाकर शाम बिताना चाहता है, लेकिन अध्याय कालम उसे बताता है कि यमुना का इरादा उसके साथ यौन संबंध बनाने का है और उसे एक कॉन्डम देता है जिसे कार्ती अनिच्छा से ले लेता है। अगले दिन अध्याय कालम को लगता है कि रात सफल रही, लेकिन कार्ती बताते हैं कि वो उन्हें अपना पारिवारिक एल्बम दिखाना चाहते हैं। कार्ती को यह भी पता चलता है कि कॉन्डम आखिरी बार उसके घर में पाया गया था और उसे इसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन कॉन्डम मिलते ही यमुना उससे संबंध तोड़ लेती है और सोचती है कि वो उसका इस्तेमाल सेक्स के लिए कर रही है। कार्ती इसे बनाने की कोशिश करती है और इस्लाम सुझाव देता है कि वे पैटी का अपहरण कर ले ताकि वो वास्तव में कहानी में उसके पक्ष को समझा सके। जैसे ही ऐसा होता है अधिक कालम पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे कहता है कि वो कार्ती को दोष न दे क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यमुना उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में यमुना और कार्ती ने शादी कर ली। विलायुतुन कुट्टी को पता चलने तक उनका रिश्ता जारी रहा। वो दोनों बहनों के लिए शादी की योजना ढूंढना शुरू कर देता है। कार्ती को पता चला कि यमुना की दुबई के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और वो उसके घर के बाहर रुकती है। विलायुतुन ने बाकी लोगों से उसे दूर भेजने के लिए कहा और लड़ाई का निर्णय लिया गया। कार्ती विलायुतुन कुट्टी को साबित करता है कि यमुना उसे अपने मंगेतर से ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन पड़ोसी कार्ती और यमुना के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी और अपनी छोटी बहन कविता की खातिर कार्ती के पिता गोपाल उनसे भविष्य में शादी के मामले में यमुना से संबंध तोड़ने की विनती करते हैं। उसके कार्ती विलायुतुन कुट्टी से माफी मांगता है और इसे स्वीकार करता है। वो यमुना की शादी होने तक कुछ समय के लिए दूर रहने का वादा करता है। एक रात उसने एक जोड़े को भागते हुए देखा और लड़की के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की कार्ती से उसे बचाने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने परिवार की खुशी की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कि रिश्तेदारों में से एक कार्ती को दुबई जाने के लिए नहीं कहता और वो उनसे लड़ता है। शरण को कार्ती और यमुना का एक साथ न रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने स्वागत के दिन यमुना और कार्ती दोनों का अपहरण करने की कोशिश करता है ताकि वे शादी कर सके। अपने रिसेप्शन की रात कार्ती नहीं जाती है, लेकिन गोपाल परेशान होता है और उसे उदास नहीं होने बल्कि अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए कहता है। यह पता चला कि कार्ती अपने स्वागत की रात से यमुना का अपहरण करने जा रहा है ताकि वे भाग सके और वह अपने माता पिता और विलोधन बच्चे को दिखावा करता है कि वो यमुना को छोड़ने के लिए तैयार है। यह जानकर अध्याय कालम हैरान रह जाता है, लेकिन कार्ती भाग जाता है। कार्ती ने उनमें से एक में एक महिला की भूमिका निभाई। अधिक कालम व्याग्रा मांगता है और उससे एक महिला के वेश में कार्ती से प्यार हो जाता है। गोपाल को पता चलता है कि कार्ती यमुना के साथ भागने की योजना बना रहा है और विलायुतुन कुट्टी भी इसका पता लगाने आता है। जब कार्ती शरण से भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यमुना का मंगेतर भी एक विकृत व्यक्ति है। कार्ती ने अतः यमुना को ढूंढ लिया और वे कल के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हैं और उसका परिवार अंदर आता है। यमुना ने रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में महिला पोषक कार्ती के बारे में झूठ बोला और उसकी माँ ने शिक्षक को यमुना के रूममेट के रूप में रखने का सुझाव दिया, जिस पर यमुना ने जोर दिया शामिल होना, लेकिन आधी रात में विग गिर जाती है और माँ को पता चलता है कि यह कार्ती है। इससे परिवार के बीच विवाद हो गया। 2050 में क्रिस गेल
असैलन से पूछते हैं कि कैसे कार्ती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, जिसमें कार्ती ने अपने सेक्स टेप का खुलासा किया, इसलिए उन्हें एक राजनेता के रूप में निकाल दिया गया। आदि कालम क्योर होम लौटता है और एक बहुत बूढ़े कार्ती को देखता है। कार्ती ने खुलासा किया कि उसने यमुना से शादी की है और उसके दो बेकार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसका यमुना के साथ अफेयर चल रहा है, जिसने शादी कर ली और दुबई चली गई। अब बात करें फिल्म की ओटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो।